हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। बेबी क्या हुआ, स्किन चिपचिपी हो रही है, ऑयली हो रही है? मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि बारिश के दिनों में स्किन का ख्याल कैसे रखें। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के टाइम में स्किन चिपचिपी और ऑयली हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो मैं कुछ आपको इजी वे बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी स्किन की परेशानी को सही कर सकते हैं। बारिश के दिन स्टार्ट होते ही आपकी स्किन चिपचिपी और ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार इरिटेशन होने लगती है। और अगर आपकी स्किन भी ऐसी हो रखी है तो आपको बता दें कि आप कुछ सिंपल तरीक़ों से इसे सही कर सकते हैं। हमने अपने फेस स्किन पर से एक्सेस ऑयल और डर्ट हटाने के लिए दिन में 2-3 बार साफ पानी से फेस वॉश करें। ऐसे मौसम में अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी जो डेड स्किन होती है उसको हटाने में मदद करती है और नई सेल्स को विकास करने में मदद करती है। एक्सफोलिएट मतलब आपको एक टॉवल लेना है जिसमें थोड़ा गर्म पानी में उसको भिगोना है और अपने फेस पे 3-4 मिनट के लिए रखना है और फिर उसको क्लीन करना है। इससे आपकी स्किन की जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी, डेड सेल्स जो है वो निकल जाएगी और नई सेल्स को विकास करने में मदद करेगी। इसमें बहुत सारे बेहतरीन एक्सफोलिएटर हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गई और आपका पपीता हो गया, ओट्स हो गए, दही हो गया, इनसे आप स्किन को क्लीन कर सकते हैं। जब आप स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो ये आपकी जो पोर्स हैं उससे वो एक्सफोलिएट से आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और आपकी स्किन अच्छे से सांस ले पाती है। तो फिर जितने भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसे काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। इसमें नारियल तेल हो गया, इसका यूज़ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और एलोवेरा हो गया, जैसे शहद हो गया और गुलाब जल हो गया, इन सब से आपकी ये सब मतलब यूज़ करनी चाहिए इस टाइम पे स्किन पे। और लास्ट टिप जो है आपकी वो है स्किन मॉइस्चराइजिंग। तो स्किन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग, आपको स्किन को मॉइस्चराइजिंग करना है, मतलब आपको मॉइस्चराइजिंग यूज़ करना है जो थोड़ा कम ऑयली हो, जिसमें ऑयल कम हो। और अपनी मॉइस्चराइजर जो है वो आपकी स्किन को मुलायम और हाइड्रेट बनाने में मदद करता है। तो आपको मोस्टली मॉइस्चराइजर तो यूज़ करना ही करना है। जैसे मैं आपको अगर नेचुरल अगर आपको मैं मॉइस्चराइजर बताऊं तो उनमें आपका खीरा हो सकता है और ओलिव ऑयल हो सकता है और नारियल तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। इनमें आप मतलब ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है अपनी स्किन के लिए। नेचुरल जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होते हैं वो आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाते हैं, बस हेल्थी रखते हैं। तो साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तले हुए स्नैक्स थोड़े कम खाएं, इससे भी आपकी जो स्किन है वो ब्रेकआउट होती है और एक्ने पैदा होते हैं। इस टाइप से आप इतना असर कि आप अपनी स्किन को हेल्थी रख सकते हैं। तो बारिश के दिनों में आप इस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। और जिसके भी स्किन पे चिपचिपी हो रही है स्किन, किसी के ऑयली ज़्यादा है, किसी में ऑयल आ रहा है स्किन पे, तो वो ये करके ज़रूर एक बार ट्राई करें और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा।